तो पहला क्वेश्चन है कि जो खाने योग्य उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको जब हम बात करें देखिए आचार भी आपका पुल्लिंग है हंस भी आपका पुल्लिंग है? पंडित भी साथियों शब्द पुल्लिंग है लेकिन ऋतु शब्द स्त्रीलिंग है स्त्रीलिंग है तो यही आपका सही जवाब हो जाता है चलिए साथियों ऐसे अटपटी क्वेश्चन भी कुछ आ रहे हैं एक दो क्वेश्चन इस टाइप के भी आ रहे हैं कि रज्जू शब्द का अर्थ क्या है तो रज्जू को हम लोग क्या कहते हैं साथियों रस्सी कहते हैं रज्जू का मतलब क्या होता है रज्जू का मतलब साथियों रस्सी होता है आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है देखिए आपने हजारों बार साथियों विशेष लिखा होगा और विशेष पढ़ा होगा तो विशेष कैसे साथियों लिखते हो कैसे लिखा होता है तो जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ ऐसे साथियों आप लिखते हो उसके बाद देखिए जो एक एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो आप साथियों क्या बताओगे बताइए यानी कि एक ऐसा बंदा जो कभी यहां पर घूम रहा है उसी पर अगर बात करें दूसरे टाइम साथियों कहीं और घूम रहा है फिर कहीं और घूम रहा है मतलब हर समय घूमने वाला के जो एक पर नहीं रहता है इसका तद्भव शब्द साथियों आपसे पूछा जा रहा है तो अज्ञान की अगर बात करें अनजान भी कह सकते हैं और अजान भी कह सकते हैं राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा उसके बाद देखिए पोषक का उपयुक्त

व्यंजन भी पड़े होंगे लेकिन ये हस्व स्वर क्या होते हैं जिसमें भी साथियों छोटे आ की मात्रा लग रही है यानी कि छोटे आ की मात्रा लग रही है छोटी ई की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा वही आपके साथियों हस्व स्वर होते हैं अगर दीर्घ स्वर की बात करें तो बड़ा आ हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा बड़ा ऊ हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करें हस्व स्वर को साथियों अल्प स्वर भी कहा जाता है और अल्प स्वरों की संख्या चार होती है और हस्व स्वरों की भी संख्या चार होती है छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ और ऋण उसके बाद देखिए अगले

सब नहीं है यह तद्भव शब्द है तो आंसर अगर आपका भी ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए प्रसारण का विलोम क्या होता है साथियों प्रसारण का विलोम क्या होता है ये एग्जाम में साथियों आपके क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रसारण का विलोम होता है आप कुछ आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए उसके बाद देखिए साथियों संज्ञा वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अगर साथियों क्वेश्चन आ जाए तो उसको एक बार ध्यान कर लीजिए जाति वाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है तो लड़का है कि जाति ही तो है साथियों अगर लड़का आए आदमी आए औरत आए ठीक है या बालक आए बालिका आएगी सब जाति वाचक संज्ञा है लेकिन आदमियों में किसी का नाम आ जाए सुरेश महेश या औरतों में किसी का नाम आ जाए पार्वती या कमला आ जाए करके तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा काच का सही परिवाची शब्द है तो काच को साथियों शीशा भी कहा जाता है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको साथियों क्या करना है आपको चयन करना है यानी कि आपको यह बताना है कि सन्यास कैसे लिखा जाता है तो बहुत सारे बच्चे साथियों इसको राइट आंसर बताएंगे बहुत सारे बच्चे इसको राइट आंसर बताएंगे लेकिन सही जवाब की जब हम बात करते हैं यानी कि सन्यासी कैसे लिखा जाता है जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है देखिए बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है देखिए जो बच्चा गर्भ के अंदर होता है वो तो गर्भ अवस्था कहते हैं उस अवस्था को जो बच्चा सबसे छोटा होता है पैदा होने के बाद साथियों वो शैष अवस्था कहलाई जाती है उसके बाद बाल अवस्था आती है उसके बाद किशोर अवस्था आती है फिर प्राण अवस्था आती है लेकिन यहां पर आपसे यह पूछा गया है कि बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को क्या कहा जाता है तो वह संधि अवस्था कहा जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ उसके बाद देखिए साथियों मित्र

हॉर्नमिल त्यौहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार है ये भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है तो साथियों सामान्य ज्ञान के अब आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ठीक उस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं देखिए अगर बात करें साथियों ये नागालैंड की जब हम बात करते हैं तो हॉर्नमिल त्यौहार साथियों नागालैंड में मनाया जाता है आंसर आपका जाएगा सी के साथ उसके बाद देखिए संगाई महोत्सव साथियों ये पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है तो संगाई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है ये तो मणिपुर में मनाया जाता है इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ उसके बाद देखिए नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है बताइए तो नौटंकी साथियों कहां पर किया जाता है उत्तर प्रदेश में साथियों ये ये लोक नृत्य है है नौटंकी नाम का ये किया जाता है आप लोग ध्यान रखेंगे उसके अलावा अगर बात करें बिहू साथियों कहां पर किया जाता है बिहू नृत्य असम में किया जाता है यक्षगान कहां पर किया जाता है तो यह कर्नाटक में किया जाता है और अगर बात करें साथियों लावड़ी नृत्य कहां पर किया जाता है तो यह महाराष्ट्र

उसके बाद देखिए डांडिया की अगर बात करें डांडिया नाम आपने बचपन से सुन रखा होगा कि डांडिया एक नृत्य है एक डांस है जो कहां पर किया जाता है जो गुजरात में किया जाता है इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में की होता है बताइए बताइए किस में साथियों होता है घतम में संतूर में हारमोनियम में या शहनाई में तो अगर बात करें साथियों हारमोनियम में आप लोग ध्यान रखेंगे जो संगीत वाद्य यंत्र है इसमें की होता है आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ अब उसके देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है चलिए पंडित जसराज किस क्षेत्र में विख्यात है यानी कि पंडित जसराज की जब हम बात करते हैं तो साथियों अगर बात करें ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है ये आपसे पूछा जा रहा है तो ये तो एक शास्त्रीय संगीतकार है कौन है ये शास्त्रीय संगीतकार है पंडित जसराज और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है तो मेवाती घराने से पंडित जसराज जी का संबंध है ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है एक तरफ कलाकार है और एक तरफ साथियों कौन है वाद्य यंत्र है बताइए चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि किशन महाराज का संबंध किससे है? है। किस है? है? है। तो है। करते हैं तो शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है या पखावज वादक साथियों नहीं है। तो वह नहीं है तो इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था आपसे पूछा जा रहा है तो वो कौन से

निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सुमेलित नहीं है बताइए चलिए तो क्या साथियों आपका राइट आंसर होगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग बताइए चलिए तो पहली बात देखिए जो कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है पहली बात आपको ये ध्यान रखना है साथियों क्या ध्यान रखने? कि का कहां पर है न्यूयॉर्क में, में नहीं है ऑप्शन तो सुमेलित, सुमेलित नहीं है अब बी वाला सुमेलित नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उसके अलावा अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय वॉशिंग्टन डीसी में है नाटो के मुख्यालय की अगर बात करें तो साथियों बेल्जियम के ब्रुसल्स में इतनी बात आपको साथियों ध्यान है।, अब उसके बाद अगला स्क्रीन पर है कि भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है बताइए तो यह अधिकार तो संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा साथियों आपसे पूछा जा रहा है तो कौन कर सकते हैं साथियों भारत के राष्ट्रपति कर सकते

किन को कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आंसर आपका बी के साथ जाएगा रॉलेट एक्ट में साथियों पारित किया यानी कि रॉलेट एक्ट की अगर बात करें तो यह कब पारित किया गया यह उन्नीस, उन्नीस में पारित किया गया यह आप लोग ध्यान रखेंगे सही जवाब आपका सी के साथ चलिए जलियावाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था तो ये तो साथियों बच्चा बच्चा जानता है क्या ये तो साथियों बच्चा बच्चा जानता है कि अमृतसर में हुआ था जलियावाला बाग हत्याकांड आंसर आपका जाएगा सी के साथ उसके बाद देखिए भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था तो यंग इंडिया को साथियों किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया था यह आपको मालूम होना चाहिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है तो वर्तमान समय में कितनी भाषाएं सम्मिलित है बाईस बाईस भाषाएं सम्मिलित है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है अब उसके बाद देखिए काला सोना साथियों क्या है यानी कि किसको काला सोना कहा जाता है ये आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है बताइए तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है काला सोना कहा जाता है आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास तो अब उसके बाद देखिए यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं पहले हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चन यहां पर हम लोग देखेंगे तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों यहां पर सबसे पहले नौ है उसके बाद चौदह आ गया है उसके बाद चौतीस आ गया है फिर एक सौ चौदह है तो आपको बताना है इसी क्रम में यहां पर साथियों कौन सा नंबर होगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर और उसके बाद सत्रह सौ चौदह आ जाएगा देखिए कभी भी साथियों यहाँ पर अगर बात करें नौ से चौदह हुआ है तो हर बच्चा बता देगा कि नौ से चौदह हुआ है साथियों हु, यहाँ पर कितना बड़ा है पांच बड़ा है ठीक है चौदह से चौतीस हुआ है एकदम से कितना बढ़ गया साथियों बीस बढ़ गया और चौतीस से चौदह हुआ साथियों तो चार में से चार जाएगा कितना बचेगा जीरो बचेगा ग्यारह में से साथियों तीन जाएगा तो कितना बचेगा आठ बचेगा यानी कि पहले पांच बड़ा फिर उसके बाद 20 बढ़ गया उसके बाद 80 बढ़ा दिया गया उसके बाद यहां पर साथियों क्या बढ़ेगा आप एक चीज देख रहे हो गए साथियों जो 20 आया है फिर इसका चार गुना हुआ है ये 80 आ गया है और फिर इसका चार गुना होगा साथियों तो चार अट्ठे बत्तीस यानी कि तीन सौ बीस यहां पर आना चाहिए यानी कि कहा जा सकता है कि नौ में साथियों पांच जोड़ा तो चौदाह आ गया चौदह में बीस जोड़ा तो चौतीस आ गया चौतीस की अगर बात करें चौतीस की अगर बात करें साथियों <coughs> चौतीस में अस्सी जोड़ा तो एक सौ चौदह एक सौ चौदह में तीन सौ बीस जोड़ेंगे तो यहां पर जो नंबर आएगा वो हमें मिल जाएगा तो चार और जीरो चार आ जाएगा एक और दो तीन आ जाएगा और तीन और एक आपका चार आ जाएगा क्या साथियों यहां पर चार सौ चौतीस ऑप्शन में है तो बिल्कुल साथियों चार सौ चौतीस ऑप्शन में है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है एल एम की माँ यहां पर कहा गया कि एम की माँ कौन है एल है तो यहां पर साथियों हम कहीं पर एम बना लेते हैं और एम की

एम की बहन यानी कि M की बहन कौन है एन है तो कुल मिला के कहा जा सकता है ये फीमेल है एक तरीके से इतना मालूम पड़ गया है तो एल की दो संतानें हैं एम और एन एन बेटी है उसके बाद कहा गया है कि के, के की बेटी एन है के कहां पर है के की बेटी एन है के हम यहां पर बना लेंगे क्यों क्योंकि साथियों के की बेटी एन है यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एल और के आपस में पति पत्नी है ये पति है और ये पत्नी है और इन दोनों की दो संताने हैं केवल दो संताने हैं एम और एन एन बेटी है अब उसके बाद देखिए जेड के का पोता है यानी कि जेड जो है साथियों वो के का पोता है अब देख लीजिए ये बेटा है ठीक है के का बेटा ये है तो के का बेटा ये है और के एम का बेटा कौन होगा एम का बेटा साथियों जेड होगा तभी तो कहा गया है कि जेड जो है ना जेड ये के का पोता है तो के का पोता कौन होगा पहले तो के का बेटा जो होगा उसका बेटा होगा साथियों पोता तो कुल मिला के यहां तक आपको समझ में आ गया उसके बाद कहा गया है कि जेड की माँ ओ है जेड क्या है जेड ये है तो जेड का पिता तो ये है यानी कि इसकी पत्नी साथियों होगी ओ और कह सकते हैं इसकी जब पत्नी हो जाएगी ओ तो ये इसकी माँ होगी जेड की माँ होगी

तो यहां पर अगर बात करें साथियों सबसे पहले क्या आप करेंगे सबसे पहले लेटर काउंट कर लेंगे कितने लेटर हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तो कुल मिला के साथियों अठारह लेटर हैं अब अगर बात करें या तो तीन का पेयर बनेगा या साथियों तो छे का पेयर बनेगा तो तीन का पेयर एक बार बनाकर देख लीजिए एक दो तीन यानी कि तीन होगा एक दो तीन तीन हो गए अब देखिए शुरू में पी ई आ रहा है यहां तो पी ई बन जाएगा लेकिन यहां पर ई है नहीं है तो ये साथियों आपका तरीका नहीं सही है तो मैं कह सकता हूं छे का पेयर बनाकर देख लेते हैं छे के जोड़े एक दो तीन चार पांच छे छह आपका ये हो गया एक दो तीन चार पाँच छ दो तीन चार पाँच छ ये हो गया अब आप देखिए अंत में पी एल ई आ रहा है यहां पर एल ई तो है लेकिन पी नहीं है तो पी हमने यहाँ पर बना दिया उसके बाद अगर बात करें बीच में क्या आ रहा है ओ पी आ रहा है तो ओ तो यहां पर नहीं है लेकिन पी है तो ओ बना दिया अब देखिए पूरा हमें मिल गया पीई ओ पी एल ई Sea, तो पी ई पी है यहां पर ई बना दो साथियों ई बना दी अब यहां पर ओ बन जाएगा और यहां पर भी साथियों क्या बन जाएगा पी बन जाएगा ई बन जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा यहां पर आपका एल और ई बन जाएगा अब जो आपने अपने पेन से लिखा है ना उसको साथियों साइड में लिख लीजिए आपने क्या क्या लिखा है ओ लिखा है पी लिखा है उसके बाद ई लिखा है ओ लिखा है फिर पी लिखा है फिर ई लिखा है फिर एल लिखा है फिर ई लिखा है अब देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है ओ पी ई ओ पी पीईओपी और पीई एलई तो ये तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा होगा तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो आपको साथियों इसी टाइप से करना है और कोई अगर कोई मेथड आपको बताता है वो आपको साथियों फॉलो नहीं करना है ये मेथड सबसे बढ़िया और सबसे जल्दी यहां पर आप लोग बता सकते हैं देखिए यहां पर अगर बात करें इस सवाल की अगर जवाब की बात करें तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता रहा हूं एक कागज का टुकड़ा है ये क्या हो जाएगा साथियों ये एक कागज का टुकड़ा है और इस कागज के टुकड़े को यहां पर से मोड़ा जाता है यानी कि यह वाली साइड इसके ऊपर ला दी जाती है, उसके बाद आप पास है। उसके है। है। आपके पास ऐसा कागज आ जाता है। है? <स्दियास> तो अब फिर से कागज को यहां से मोड़ा जाता है और ये वाली साइड यहां पर ला दी जाती है तो अब आपके सामने ये वाली आकृति आ गई होगी अब एक तो यहां पर दिया ऐसा और एक यहां पर होल कर दिया ऐसा तो जब अब इस पूरी आकृति को खोलोगे और इस टाइप की आकृति बनाओगे तो आपको छेद किस से दिखेंगे? ये आप से पूछा जा और मैं आपको दोबारा से बता देता हूं देखिए छोटा सा एक छेद यहां पर है तो साथियों यहां पर भी हो जाएगा यहां पर है ना तो साथियों यहां पर भी आपको एक तरीके से कटिंग दिखेगी अब आप देख लीजिए साथियों ठीक है अब जब यहां पर है ना तो वो चीज जब खुलेगी तो यहां पर भी वो चीज दिखेगी और वो चीज साथियों यहां पर भी दिखेगी और वो चीज साथियों यहां पर भी दिखेगी तो ऐसे चारों में कहां पर पर आपको दिख रहे है? यहां पर तो कोई कटिंग नहीं है तो ये नहीं हो सकता यहां पर अगर बात करें यहां पर अलग कटिंग है और यहां पर अलग कटिंग है इसलिए यह नहीं हो सकता यहां पर भी साथियों यहां पर नहीं कटिंग है यहां पर आप देख पा रहे हो चारों तरफ कटिंग है चारों तरफ साथियों यहां पर एक तरीके से कटिंग है और उसके अलावा अगर बात करें यहां छेद यहां होल आया है तो यहां पर भी आएगा यहां पर भी आएगा यहां पर भी आएगा और यहां पर भी साथियों चार होल आपको दिख पा रहे हैं तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर क्या होगा देखिए यहाँ पर अगर बात करें अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा अच्छा बच्चा साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाता है लेकिन बहुत आसानी तरीके से मैं आपको यहाँ पर साथियों समझाऊंगा और पूरा सवाल बहुत अच्छे से यहाँ पर हम लोग कर लेंगे छह दोस्त यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ एक व्रत में इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर एक दूसरे के सम्मुख याने बैठे हैं तो कुल मिला साथियों हम ये बना लेंगे कितने लोग हैं यहाँ पर साथियों छह लोग हैं देख लेते हैं एक दो ठीक है तीन चार और पांच और छह ये छह लोग हैं कहा गया है कि सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं तो सी और डी देखिए अब हमें एक दूसरे सर्कल सर्किल की जरूरत होगी वो क्यों होगी वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर सबसे पहले कर लीजिए एक दो आपका तीन चार और छ हमें इसलिए जरूरत है कहा गया है कि सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे मान लीजिए हमने कहां पर सी बनाया सी हमने यहां पर बनाया और ई e हमने यहां पर बनाया ई e हमने यहां पर बनाया अंदर को बना रहे नीचे जगह नहीं इसलिए अब क्या पता अब देखिए ई e के बाएं और बैठा है सी क्या पता साथियों E के दाएं और C बैठा हो ठीक है तो हम वो भी एक तरीके से बना निकट बैठे हैं B और F भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं तो अभी हमें नहीं कह सकते बी एफ कहां पर बैठा है उसके बाद कहा गया कि ई e ठीक बी के सामने बैठा है यानी कि अगर ई e ये बैठा है तो बी साथियों यहां पर बैठा है

सी और डी अब एक बार दोबारा से पढ़िए सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं तो सी और आ, क्या लिखा है यहाँ पर सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं तो तो डी अभी तक साथियों हम लोगों ने बना ही नहीं अच्छा इसको हमने छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया दिया था था इसलिए शायद कि कहां पर बनाना है सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं, तो सी यहां पर बैठा है तो डी यहां पर बैठा होगा उसके बाद कहा गया कि बी और एफ भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं तो बी और एफ को हमने बैठा दिया था ऐसा था ठीक है ना उसके बाद कहा गया है कि बी और एफ एक दूसरे के एक दूसरे के निकट बैठे बिल्कुल निकट बैठे हैं ई e ठीक बी के सामने बैठा है ई e ठीक बी के सामने बैठा है बी के बाएं बैठा है एफ बी के बाएं बैठा है एफ और ई e और एफ के बीच में कौन बैठा है ई e ये हो गया एफ आपका ये हो गया तो देखिए अब ए से कहां तक था एफ तक था ए की अगर बात करें ए ही यहां पर नहीं है बाकी सब हैं। ए ये हो जाएगा बी ये हो गया सी ये हो गया डी ये हो गया ई e ये हो गया एफ हो गया तो ई e और एफ के बीच में कौन बैठा है साथियों ए बैठा है तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो ए कौन से ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं यानी कि अंकों को नहीं संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए यह आपसे कुल मिला के यहां पर कहा जा रहा है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा यानी कि यहां पर कुल मिला के आपको त्रेपन लाना है फिफ्टी थ्री लाना है तो आठ की जगह पर चौदह चौदह की जगह पर आठ रख दे तो क्या त्रेपन आ जाएगा आठ की जगह पर तीन तीन की जगह पर आठ रख दे ऐसा करना होगा तो साथियों हो कुल मिला के हम नीचे से चलेंगे जल्दी आंसर आपको हो सकता हो मिल जाए क्योंकि एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा पहले इसको सॉल्व करेगा उसका समय जाएगा इसको सॉल्व करेगा इसको सॉल्व करेगा समय जाएगा तो कुल मिला के इस टाइप के सवालों को नीचे से साथियों आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो पांच की जगह पर तीन और तीन की जगह पर पांच आपको रखना है पांच लिखा हुआ है पांच की जगह पर तीन आ जाएगा गुण आ जाएगा चालीस आ जाएगा भाग अगर बात करें आठ आ जाएगा और प्लस तीन लिखा हुआ है तीन की जगह

तीन आपका कितना हो जाएगा पैसठ छासठ सिक्सटी हो जाएगा चौदह करोगे तो कितना त्रेपन आपका जगह तो पर पांच रखा जाए और उनको कैलकुलेट किया जाए तो बराबर क्या आएगा 53 इधर भी आएगा और उधर तो 53 है ही उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन पर है कि, कि कपड़े का संबंध कपास से है उसी प्रकार जैसे आटे का संबंध किससे है आपसे पूछा जा रहा है देखिए अगर बात करें कपास से क्या बनाया जाता है कपास से कपड़े बनाए जाते हैं उसी प्रकार साथियों गेहूं से क्या बनाया जाता है गेहूं से आटा बनाया जाता है तो यहां पर क्या आ जाएगा गेहूं यहां पर आ जाएगा और आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा गेहूं के साथ उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक विशिष्ट कोट भाषा में आर ई एम ए आई एन को कितना लिखा जाता है नौ दो दो एक चार दो छठ एक तीन लिखा जाता है तो इसी भाषा में एम ए सी ए H i n e का कोड क्या होगा ये आपसे कुल मिलाकर यहां पर पूछा जा रहा है बताइए देखिए यहां पर अगर बात करें हमें इतना पता है कि n जो होता है साथियों वो चौदह पर होता है यहां पर क्या लिखा हुआ है तेरह लिखा हुआ है तो ऐसा तो नहीं साथियों एक घट रहा है अगर ये i की बात करें तो ये साथियों 9 पर होता है लेकिन यहां पर तो एकदम 9 का दुगना आ गया 18 आ गया ठीक है हाँ लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि आई का विपरीत होता है आर और आर होता है 18 पर उसी प्रकार एम का विप्र... एन का विपरीत होता है एम ठीक है तो एम यहां पर एम की वो पोजीशन लिखी हुई है तो कुल मिला के साथ कोई दिक्कत नहीं अब मैं समझ गया यहां पर क्या करना है देखिए आर होता है आपका 18 पर ठीक है आर मतलब कुल मिला के आर का विपरीत क्या होता है आर का विपरीत साथियों मैं आपको बता चुका हूं यह होता है इस तरीके से एस का एस का विपरीत एच होता है और आई का विपरीत होता है आर तो आई यहां पर क्या आ जाएगा आई आ जाएगा लेकिन हम आई नहीं लिखेंगे आई की पोजीशन लिखेंगे आई नौ नंबर पर होता है उसके बाद यह लिखा हुआ है साथियों ई मैंने आपको बताया था एल ओ वीई वी का अपोजिट होता है ई और ओ का अपोजिट होता है एल ठीक है तो यहां पर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा एक तरीके से वी हो जाएगा तो यहां पर वी नहीं लिखेंगे

मनुष्य है नर है जीव है तो आप बताइए कौन सा वेन आरेख साथियों जीव को नर को और मनुष्य को कवर करेगा देखिए जीव की अगर बात करें साथियों तो जान इसमें भी है नर में भी है और मनुष्य में भी है तो मैं किस टाइप से बना सकता हूं साथियों देखिए जो सबसे बढ़िया मुझे लग रहा है ना मान लेते साथियों ये क्या हो जाएंगे ये आपके मनुष्य हो जाएंगे ठीक है और ये आपके क्या हो जाएंगे नर हो जाएंगे ठीक है क्योंकि कहा जा सकता है कि साथियों कुछ नर मनुष्य होंगे ठीक है अब मनुष्य में तो साथियों लेडीज भी आ जाएंगी लेकिन कुछ मनुष्य नर होंगे और कुछ नहीं होंगे तो कुल मिला इस टाइप का आपको कहां दिख रहा है साथियों ऐसा तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है क्योंकि साथियों कुछ मनुष्य लेडीज होंगे और कुछ मनुष्य आपके नर होंगे ठीक है तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है यहां पर अगर बात करें कि कथन आपके सामने है कि सभी पतंगे वायुयान है तो क्या कहा गया है साथियों सभी पतंगे वायुयान हम लोग बना लेते हैं सभी पतंगे क्या बना लेते हैं वायुयान ये आपके साथियों पतंग हो गई उसके बाद कहा गया है कि सभी वायुयान कागज हैं ठीक है सभी पतंगे वायुयान हैं यहां पर हमने वायुयान बना ली ठीक है और सभी वायुयान क्या है सभी वायुयान आपके कागज हो जाएंगे सभी वायुयान आपके कागज हो गए अब निष्कर्ष देखिए साथियों कि सभी पतंगे कागज हैं बिल्कुल साथियों सभी पतंगे जो है ना वो कागज ही हैं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा कोई भी कागज वायु याद नहीं है देखिए कथन आपका पॉजिटिव कथन आपका पॉजिटिव तो नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता है तो ये आपका गलत हो जाएगा तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है ऐसा कहीं पर साथियों लिखा हुआ है कि ऑप्शन में बिल्कुल लिखा हुआ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ऐसा आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास तो अब उसके बाद देखिए साथियों अब आपके सामने यहां पर मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दस क्वेश्चन आपने देखे रीजनिंग के और दस क्वेश्चन आप टॉप लेवल के देखेंगे साथियों यहां पर मैथ के तो यहां पर कुल मिला के साठ क्वेश्चन साथियों हम लोग देख रहे हैं वैसे अस्सी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में साठ क्वेश्चन यहां पर आप लोग देखेंगे पंद्रह लड़के किसी कार्य को दस दिन में करते हैं उसके बाद कहा गया है कि बारह लड़कियां उसी काम को पंद्रह दिन में करती हैं यदि सभी पंद्रह लड़के और बारह लड़कियां एक साथ काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिनों में होगा इस क्वेश्चन की अगर बात करें जितनी कठिन इसकी लैंग्वेज बना दी गई है उतना ही आसान क्वेश्चन है आपको क्या मतलब साथियों लड़कों से कि लड़के पंद्रह हों चाहे लड़कियां कितनी हों आप तो इतना समझो कि लड़के किसी काम को दस दिन में करते हैं और लड़कियां उसी काम को पंद्रह दिन में करती हैं तो अगर बात करें साथियों बॉयज किसी काम को साथियों दस दिन में करते हैं और गर्ल्स उसी काम को पंद्रह दिन में करती हैं तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में कर पाएंगे ये नंबर आपको सिर्फ दिया है कन्फ्यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना एक ऐसा नंबर ले लेना है जो दस के पहाड़े में भी हो जो पंद्रह के पहाड़े में भी हो तो दस तिया तीस हो जाएगा पंद्रह दुना आपके कितने हो जाएंगे तीस हो जाएंगे यानी कि कहा जा सकता है कि बी एक दिन में तीन काम करता है और सॉरी बी नहीं बल्कि लड़के एक दिन में तीन काम करते हैं और लड़कियां एक दिन में दो काम करती हैं और टोटल काम कितना है तीस टोटल काम है तो जब ये दोनों एक दिन में अगर बात करें पांच तो काम करेंगे और टोटल काम तीस है तो टोटल काम तीस है और एक दिन में पांच काम हो रहा है तो तीस काम कितने दिन में हो पाएगा छ दिन में हो पाएगा तो छे आपका राइट आंसर हो जाएगा और छे कौन से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है इसको देखिए साथियों और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और राइट आंसर बताइए क्या हो सकता है अब उसके बाद देखिए साथियों बारह माइनस तीन प्लस चार ऑफ दो भाग आठ माइनस आठ माइनस छह रूट तीन अब ब्रैकेट में साथियों आप देख सकते हैं आप सबसे छोटे वाले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में ये है तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा तीन एकम तीन तीन दोनों आपका तो छह हो जाएगा आठ में से दो जाएगा कितना बचेगा छह बचेगा यानी कि इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं छह लिख सकते हैं उसके बाद माइनस लगा है माइनस लगा लीजिए दो, दो भाग आठ लिखा है तो दो भाग आठ इस प्रकार से हो जाएगा और गुणा लगा है तो यहां पर चार इस प्रकार से हो जाएगा चार एकम एक चार चार दुना आपका आठ हो जाएगा और दो से ये दो कैंसिल आपका हो जाएगा तो कुल मिला के साथियों यहां पर अगर बात करें क्या बचेगा यहां पर आपका साथियों एक बचेगा ठीक है यहां पर आपका साथियों कितना बच जाएगा यहां पर आपका एक बच जाएगा तो यहां पर अब आपका साथियों एक आ जाएगा और प्लस करके यहां पर कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा साथियों ये आपका कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एक तरीके से चार माइनस छः तो चार माइनस छ साथियों कितना होता है एक तरीके से माइनस का आपका दो हो जाएगा ठीक है माइनस का यहां पर अब आपका दो आ गया और अब ये सारी चीजें आपने सॉल्व कर ली हैं ठीक है माइनस का आपका दो आ जाएगा अब देखिए यहां पर ये बारह हमने यहां पर लिखा और माइनस है और ये आपका क्या माइनस का एक तरीके से दो है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा यानी कि बारह प्लस दो बराबर कितना हो जाएगा चौदह हो जाएगा और चौदह ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा सॉल्व कीजिए उसके बाद इसको उसके बाद इसको तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है एक बटे चार लिखा हुआ है तो यहां पर सादा सादा एक बटे चार आ जाएगा गुणा लगा हुआ गुणा आपका चार, तो चार आ जाएगा और, और, और गुणा यानी ऑफ का मतलब गुणा होता है तो यहाँ पर दो बटे आ जाएगा अब इतना साथियों आपके सामने आ चुका है अब ऐसा कीजिए इसको ही आप सॉल्व करा लीजिए क्या इसको ही आप साथियों सॉल्व करा लीजिए तो एक बटे चार जैसे लिखा वैसे लिख देंगे उसके बाद अगर बात करें यहां पर देखिए कि इस पांच से ये पांच आपका कैंसिल हो रहा है और ये दो एकम दो, दो दुना आपका चार हो जाएगा तो यहां पर तो एक बटे चार आ, एक बटे दो आ जाएगा अब गुणा साथियों तीन बटे चार आप यहां लिखेंगे और यहां पर अगर बात करें इस भाग को गुणा के निशान में बदलेंगे और ये एक बटे दो है ना तो दो बटे यहां पर एक हो जाएगा अब इसको और सॉल्व कर लीजिए दो एकम दो दो दुना आपका कितना हो जाएगा चार हो जाएगा अब ऊपर क्या रहेगा साथियों ऊपर सिर्फ आपका तीन रहेगा और नीचे आपका क्या रहेगा आठ रहेगा तो इस पूरे की जगह पर क्या आया साथियों तीन बटे यानी कि इस पूरे की जगह पर क्या आ जाएगा तीन बटे आठ आ जाएगा अब साथियों इसको सॉल्व आप कर लो क्या अब इसको सॉल्व कर लो इसको कैसे करोगे तो तीन बटे चार है तो तीन बटे चार लिख लिया भाग लगा हुआ है तो साथियों देखिए तीन एकम तीन और दो कितना हो जाएगा पांच बटे तीन आ जाएगा लेकिन गुणा लगाओगे पांच बटे तीन नहीं लिखोगे यह एक काम कीजिए ऑफ लगा हुआ है ना यहां पर कर लेते हैं तीन बटे चार जैसा लिखा है तीन बटे चार लिख लो यहां पर भाग का निशान भाग का निशान तीन एकम तीन दो पांच बटे यहां पर क्या आ जाएगा तीन आ जाएगा अब यहां पर ऑफ मुझे देखिए ऑफ की अगर बात करें तो गुणा आ जाएगा और चार बटे यहां पर पांच आ जाएगा अब अगर बात करें इस पांच से यह पांच आपका कैंसिल हो जाएगा अब अगर बात करें देखिए अब आपके सामने क्या आगे तीन बटे चार भाग आ गया ना तो इसको गुणा में कर लो और ये चार बटे तीन है तो तीन बटे यहां पर चार आ जाएगा अब अगर बात करें अब यहां पर साथियों क्या आ जाएगा तीन तीन नौ बटे सोलह आ जाएगा तो अब इसको साथियों तीन बटे नौ बटे सोलह निकला यानी कि इसका क्या निकला इसका तो आपका क्या निकला इसका नौ बटे आपका सोलह निकला भाग का निशान लगाए भाग का निशान लगा लिया इसका क्या निकला था तीन बटे आठ निकला था तो यहां पर आपका तीन बटे आठ हो जाएगा अब माइनस लगाकर साथियों इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक की गुणा एक से

तीन बटे आठ आपका ये लिखा हुआ है ठीक है तीन बटे आपका आठ का ये लिखा हुआ है ये भाग का निशान इसको गुणा में कर लीजिए और इसकी साथियों उल्टा पलटी कर दीजिए नौ बटे सोलह लिखा था तो सोलह बटे नौ हो जाएगा तो तीन बटे आठ जैसा ये लिखा था इसको वैसे लिखने दो अब यहां पर है आठ एकम आठ और आठ दुना सोलह यहां पर है तीन एकम तीन तीन दुना आपका तीन तीन आपका नौ हो जाएगा तो अब आपके पास क्या आया दो बटे तीन आया माइनस तीन बटे आठ आया तो अब ये साथियों आपके सामने आ रहे इसको एक बार कैलकुलेट करा लीजिए और आंसर आपका आपका आपके सामने आ जाएगा सोलह हो जाएगा तीन, तीन आपका नौ हो जाएगा चौबीस हो जाएगा चलिए तो 16 में से साथियों जाएगा तो कितना बचेगा सात बटे चौबीस बचेगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और सात बटे चौदह सात बटे चौबीस सात बटे चौबीस कहां पर लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25 प्रतिशत की छूट के साथ उपलब्ध यानी कि इत्र को जो बेचा जाता है ना इसको 25 प्रतिशत की छूट पर बेचा जाता है अगर इसका दाम साथियों सौ रुपए है तो इसको 25 प्रतिशत छूट यानी कि 75 प्रतिशत में इसको बेचा जाता है ये कहा गया है यदि सेल में इत्र का मूल्य यानी कि जब पचहत्तर में उसको बेचा जाता है पच्चीस की छूट देने के बाद तो वो कितने का बेचा जाता है अड़सठ का बेचा जाता है अड़सठ का बेचा जाता है तो इत्र का मूल विक्रय रूप क्या होगा यानी कि अगर छूट ना दी जाए में बेचा जाए तो उसका मूल्य क्या होगा तो साथियों पचहत्तर प्रतिशत की वैल्यू अड़सठ सौ तिहत्तर है आप किसकी निकालो आप सौ प्रतिशत की वैल्यू निकालो तो पचहत्तर यहां पर आ जाएगा सौ की गुणा कर दीजिए सौ प्रतिशत आपको निकालना है ये आपका चार आ जाएगा यह आपका तीन आ जाएगा इसको कट करें तीन दोनों आपका साथियों छ हो जाएगा तीन दोनों आपका छे हो जाएगा या आपका तीन नीम सत्ताइस हो जाएगा यहां पर तीन एकम तीन आ जाएगा तो अब आपके पास साथियों बाईस सौ इक्यानवे बचा है और यहां पर चार से इसकी गुणा कर दीजिए चार एकम चार हो जाएगा चार नीम आपका छत्तीस हो जाएगा चार दोनों आठ और ग्यारह आपका ये हो जाएगा यहां पर आपका नौ आ जाएगा तो इक्यानवे आपका आंसर जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिए और बताइए साथियों तो सही जवाब यहां पर आपका क्या होगा यहां पर लिखा हुआ है कि अमन अपनी आय का चौहत्तर प्रतिशत खर्च करता है यदि उसका व्यय तीस प्रतिशत बढ़ जाए और बचत पच्चीस प्रतिशत बढ़ जाए तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी देखिए यहाँ पर तीन चीजों की बात की गई है यहाँ पर एक तो साथियों आय की बात की गई है उसके बाद यहाँ पर साथियों खर्च की बात की गई है और यहाँ पर साथियों बचत की एक तरीके से बात की गई है तीन चीजों की यहाँ पर बात की गई है कहा गया है कि अमन की आय का चौहत्तर प्रतिशत वो खर्च कर देता है मान लीजिए साथियों उसकी आय सौ है और जब वो चौहत्तर प्रतिशत खर्च कर देता है तो कितनी बचती है साथियों उसकी बचत कितनी होती है छब्बीस की उसकी बचत होती है उसके बाद कहा गया है कि यदि उसके व्यय को व्यय कितना करता है साथियों व्यय एक तरीके से खर्च एक ही होता है तो जब वो चौहत्तर रुपये खर्च करता है लेकिन तीस प्रतिशत बढ़ जाता है अगर उसके व्यय को उसके खर्च को 30 प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है तो पहले तो इसका प्रतिशत कितना होगा ये निकाल लो या ऐसे निकाल लो एक सौ तीस प्रतिशत निकाल लो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रतिशत से वो कितना बढ़ाता है इस जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा ठीक है चलिए अब चौहत्तर की गुणा साथियों की काम कीजिए तेरह से कर लीजिए तीन आपका बारह आ जाएगा तीन आपका इक्कीस हो जाएगा और दो यहां पर बाईस आ जाएगा और यहां पर आपका चौहत्तर आ जाएगा दो आ गया छे आ गया और यहां पर नौ आ गया यानी कि और पॉइंट लगा था मतलब कुल मिला के नीचे दस है अगर तो एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि चौहत्तर चौहत्तर उसका खर्च था और तीस प्रतिशत जब उसका खर्च बढ़ा है तो छियानवे पॉइंट दो उसका खर्च हो गया है उसके बाद कहा गया कि बचत को अगर पच्चीस प्रतिशत बढ़ा दिया जाए बचत अभी तो साथियों छब्बीस है अब जब बचत में यानी कि छब्बीस में कितनी बढ़ोतरी करेंगे पच्चीस प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे तो एक सौ पच्चीस प्रतिशत की वैल्यू निकाल लीजिए पांच हो जाए जाएगा ये चार हो जाएगा एक सेकेंड ये आपका कितना हो गया ये आपका चार हो गया ठीक है और अगर बात करें इसको कट करें ना तो 26 पंजे साथियों कितना हो जाएगा 100 130 आपका हो जाएगा और 130 की चार से भाग दोगे तो चार तीन आपका 12 आ जाएगा चार दुना आपका साथियों कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा चार दुना आठ आ जाएगा ठीक है पॉइंट और चौहत्तर जब खर्च करता है तो जाहिर सी बात है बचत वो छब्बीस की करेगा उसके बाद कहा गया कि उसके खर्च में यानी कि उसके वे में तीस प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है तो चौहत्तर से तीस बढ़ाया तो छियानवे आ गया उसके बाद कहा गया कि उसकी में भी 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो जब बचत में प्रतिशत की वृद्धि की तो तो छब्बीस इसका इसका तो को और चौहत्तर को जोड़ोगे तभी तो यह सौ आया है तो अब की आय क्या होगी इन दोनों को साथियों जोड़ दो आपका यहां पर जो नंबर आएगा वो आ जाएगा तो दो और पांच सात हो जाएगा पॉइंट लग जाएगा छह और दो आठ आ जाएगा बिल्कुल सही नौ और तीन आपका बारह आ जाएगा यानी कि अब उसकी साथियों कितनी आय होगी एक सौ अट्ठाईस पॉइंट सात होगी अब पूछा क्या गया है उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो पहले तो सौ थी अब कितनी हो गई एक सौ पॉइंट सात हो गई यानी कि अट्ठाइस पॉइंट सात की वृद्धि हुई तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इसको प्रतिशत में नहीं बदलेंगे क्योंकि यह तो पहले से ही मामला सब प्रतिशत में ही चल रहा था तो जिनका भी आंसर जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु कितनी थी साथियों चार अनुपात तीन थी यानी कि ए की आयु अगर चार थी तो बी की आयु कितनी थी तीन थी एक वर्ष पहले की बात चल रही है यानी कि ए की आयु हो सकता हो चालीस हो तो बी की आयु तीस हो उसके बाद कहा गया कि अब से सात वर्ष पश्चात यानी कि सात वर्ष के, के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है नौ अनुपात सात हो जाता है तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी आपसे पूछी जा रही तो ए की वर्तमान आयु भी बता देंगे और बी की वर्तमान आयु भी बता देंगे यहां पर अगर बात करें एक वर्ष पहले A की आयु मान लेते तो हैं है, है, तो एक वर्ष अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगी ये वर्तमान टाइम की उम्र एक तरीके से बन जाएगी ठीक है ना वर्तमान आयु यहां पर बन जाएगी और यहां पर कहा गया कि सात वर्ष के बाद एक की आयु कितनी हो जाती नौ हो जाती तो हम ये नहीं कर सकते कि इसमें सात और जोड़ दे और इसका यह अनुपात बराबर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है साथियों साथ इसमें भी जोड़ना पड़ेगा देखिए अभी ये एक वर्ष पहले की उम्र थी तो ये जब इसमें एक जोड़ देंगे तो यह वर्तमान समय की उम्र निकल आएगी हमें जो अनुपात दिया गया उसके बराबर हमें करना है ना और यह अनुपात सात वर्ष बाद का है तो इसमें भी हमें सात वर्ष ही तो जोड़ना पड़ेगा तभी तो ये दोनों बराबर हो पाई वरना बराबर कहे कह सकते हैं तो अब यहां पर अगर बात करें देखिए चार एक साफ प्लस सात और एक

सत्तर माइनस कितना हो जाएगा छप्पन हो जाएगा यानी कि एक बराबर साथियों आपका क्या निकलेगा एक तरीके से अगर बात करें तो देख लीजिए बारह में से छह जाएगा तो छह बचेगा छह में से पांच जाएगा एक बचेगा यानी कि एक्स की वैल्यू अब हमको क्या चल गई मालूम पड़ गई चलिए अब यहां पर अगर बात करें देखिए किसकी पूछी गई थी बी की वर्तमान पूछी गई थी जब बी की अगर बात करें ये तो एक साल पहले की उम्र है तो एक साल पहले की उम्र है इसमें एक जोड़ दोगे ये आपकी वर्तमान उम्र में पता चल जाएगी तो तीन एक्स की अगर बात करें यानी कि सोलह एक्स प्लस वन ये क्या होगा ये बी की वर्तमान आयु हो जाएगी तो सोलह ती आपका कितना हो जाएगा बत्तीस सोलह ती आपका कितना हो जाएगा अड़तालीस हो जाएगा अड़तालीस और एक आपका उनचास हो जाएगा तो ये तो बी की उम्र निकलेगी अगर आपसे ए की उम्र पूछता ना तो ए की उम्र भी साथियों बतला देते हैं की अगर बात करें चार एक्स है यानी कि सोलह चौक आपका चौसठ चौसठ और आपका एक पैंसठ हो जाएगा गा तो कुल मिला के आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उनचास के साथ जाएगा उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बताइए यहां पर कहा गया है कि आठ में एक गिटार को बेचने पर राखी को 6 प्रतिशत की हानि होती है देखिए यहां पर कहा गया 6 प्रतिशत की हानि होती है यानी कि वो गिटार साथियों चौरानवे प्रतिशत में बेची गई है और चौरानवे प्रतिशत की वैल्यू क्या दे रखी है आठ दे रखी है तो अगर 8 प्रतिशत का लाभ प्राप्त करना हो तो गिटार को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए तो मैं कह सकता हूं साथियों आठ सौ चौरानवे प्रतिशत ये एक प्रतिशत की वैल्यू आपकी निकल आएगी इसको क्या निकालना है एक का लाभ चाहिए ना तो इसको में में बेचो कितने रुपए कर कर करा लो और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा अगर बात करें दो से यहां पर चौवन आ जाएगा दो से इसको करेंगे दो चौक आपका आठ दो सत्य आपका चौदह हो जाएगा ठीक है अब अगर यहां पर अब कट करें देखिए एक काम यह भी कर सकते हो कि चौवन की गुणा आठ से करा लो तो चौवन की गुणा साथियों चौवन की गुणा किससे करा देते हैं आठ से करा देते हैं छ चौक आपका चौबीस हो जाएगा चार चौक सोलह और अट्ठारह हो जाएगा चार बत्तीस और एक साथियों तैतीस आपका हो जाएगा पांच छंग आपके तीस हो जाएंगे पांच चौक बीस आपका तेईस हो जाएगा दो लग जाएगा आठ पंचालीस और दो आपके बयालीस हो जाएंगे तो अगर बात करें चार आ जाएगा आठ आ जाएगा छ आ जाएगा पांच आ जाएगा चार आ जाएगा तो अब अगर यहाँ पर बात करें पैंतालीस 684 सौ चौरासी की भाग आपको देना है साथियों किससे देना है सैतालीस से देना से काटना होगा।, तो जब इसको से काटना होगा तो देख लेते हैं सैतालीस नीम कितने होते हैं सैतालीस नीम कितने होते हैं साथियों सात नीम आपका तिरसठ हो जाएगा चार नीम आपका छत्तीस हो जाएगा छत्तीस और छ आपका बयालीस हो जाएगा तो मैं कह सकता हूँ चार आपका आ जाएगा चार आपका आ जाएगा यानी से कम सैतालीस इसको करेंगे तो चार सौ आपका तेईस आ जाएगा यहां पर अगर बात करें कितना बचेगा छह में से तीन जाएगा ये चौरासी बचे हैं इधर के छह में से तीन जाएगा यहां पर तीन आ जाएगा और पांच पैंतालीस में से बयालीस जाएगा तो साथियों तीन बचेगा अब सैतालीस की गुणा किससे करे यहां पर देखिए नौ आ गया है तो हो हो सकता है वाला अब सैतालीस की गुणा किससे करे साथियों के आपका इतना के आसपास आ जाए तो सैतालीस की गुणा एक बार सात से करके देखिए ठीक है ना सात से करके देखेंगे तो साथियों सात सत्य आपका उनचास हो जाएगा सातों का अट्ठाईस और आपका बत्तीस हो जाएगा बिल्कुल सही साथियों यह तीन सौ उनतीस आए ना बत्तीस है तो कुल मिला के सात आपका सही रहेगा तो नौ और सात कौन से ऑप्शन में है तो नौ और सात आपका ऑप्शन नंबर बी में है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और अगर आगे बढ़ा के कट करोगे तो दो बार में भी एक बार जाएगा तो आंसर जिनका भी यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि सात प्रतिशत बारह प्रतिशत पांच प्रतिशत की तीन क्रमिक छूट दी गई है तो उनके समतुल एकल छूट साथियों कितनी होगी कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है साथियों आपको क्या करना है मैं आपको यहां पर बतला देता हूं देखिए सौ माइनस सौ अब यहाँ पर छूटे लिख दीजिए सौ माइनस सौ तो लिखना है सात प्रतिशत की छूट दी गई यानी कि उसको कितने में बेचा गया तिरानवे प्रतिशत में बेचा गया यानी कि तिरानवे बटे सौ उसके बाद साथियों गुणा आ जाएगा बारह प्रतिशत की अगर बात करें छूट दी गई यानी कि अट्ठासी बटे कितना आ जाएगा अट्ठासी बटे सौ आ जाएगा की छूट देगा दी गई पचानवे बटे सौ आ जाएगा अब इसको कैलकुलेट कर लो आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा इस सौ से साथियों ये आपका सौ कट जाएगा अब ये सौ मौजूद है इस सौ यानी कि जो इसको कैलकुलेट करके आएगा ना उसको हम सौ में से घटाएंगे अब अगर ये तो सौ कट गया इसकी अगर बात करें यहां पर उन्नीस आ जाएगा और यहां पर कितना आ जाएगा साथियों एक तरीके से बीस आ जाएगा अब अगर इसको कट करें साथियों ये आपका क्या है ये आपका उन्नीस से ध्यान रखना इसको दो से कट करे दस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा दो चौक आठ दो चौक आठ आपका आ जाएगा ठीक है अब नीचे आपका क्या है नीचे आपका साथियों एक हजार है याद रखिएगा नीचे आपका एक हजार है और ऊपर आपका क्या है तिरानवे है चवालीस है और साथियों उन्नीस है यहां पर ठीक है इतनी बात आपको साथियों मालूम हो चुकी होगी अब एक बार ऐसा कीजिए कि इन सब की एक बार गुणा करा लीजिए आप इन सब की एक बार गुणा करा लीजिए गुणा करा लेते हैं तो चवालीस की उन्नीस से गुणा कराएंगे साथियों कितना आएगा चौक आपके छत्तीस हो जाएंगे नौ चौक आपके छत्तीस और तीन उनतालीस हो जाएंगे यहां पर चवालीस चवालीस आ जाएगा छ तेरह साथियों आठ आ जाएगा यानी कि अगर बात करते हैं कितना आएगा इन दोनों की गुणा कराने के बाद आठ आएगा और आठ की गुणा साथियों अब वे से करा लीजिए छतिया अठारह हो जाएगा तीनतियां नौ और एक आपका साथियों कितना हो जाएगा आ, तीन तिया नौ और एक आपका दस हो जाएगा आठती चौबीस और एक साथियों कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा गुणा लग जाएगा आ, नौ पंजे पैंतालीस नौ छंग आपके चौवन हो जाएगा पाँच आ जाएगा नौतियाँ सत्ताईस और पाँच आपका तैंतीस आ जाएगा नौ बहत्तर और तीन आपका पचहत्तर यहाँ पर आ जाएगा आठ आ जाएगा चार आ जाएगा आठ आ जाएगा सात आ जाएगा सात आ जाएगा यानी कि अब इसकी जगह पर क्या आ जाएगा सतहत्तर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा एक आ जाएगा अब और इसको साथियों सौ में से भी माइनस करना ही ये वाले में से अब नीचे तीन जीरो हैं, तो हम इसको कट कर देंगे और तीन नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे यानी कि अब अगर बात करें तो सौ माइनस सतर पॉइंट चौरासी आपका यहां पर आ जाएगा तो अब आपको कुछ नहीं करना है कि सौ में से सतर पॉइंट आठ चार को घटाना है और इनको घटाने पर साथियों क्या आएगा इनकी अगर बात करें ना देखिए बाईस तो आ जाएगा बाईस पॉइंट करके कुछ आएगा तो बाईस ये सिर्फ लिखा हुआ ये नहीं होगा बाईस पॉइंट करके कुछ आएगा ना तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ यानी कि अगर किसी भी चीज पर सात प्रतिशत की बारह प्रतिशत की पांच प्रतिशत की तीन क्रमिक छूट दी जाती है तो अगर उसको एक छूट माना जाए तो यानी कि बाईस दो दो की छूट दी जाएगी साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती एक दो मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड समय लगता है पुल की लंबाई कितनी है मीटर में यह आपसे कुल मिलाकर बताइए तो देखिए पुल की लंबाई कितनी है आपसे कुल मिला पूछा जा रहा है साठ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से देखिए सब मीटर मीटर में है तो यह चार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या कर रही इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लो तो किसी भी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदला जाता है तो पांच

है यानी पचास बटे तीन मीटर प्रति सेकंड है अब उसके बाद कहा गया है साथियों कहा गया है कि त्रेपन मीटर लंबी रेलगाड़ी है क्या दो सौ त्रेपन मीटर लंबी रेलगाड़ी है रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में बयालीस सेकंड का समय लेता है अब मैं आपको बता देता हूं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना तो चाल बराबर चाल क्या है चाल तो पचास बटे तीन है चाल बराबर दूरी अब यहां पर दूरी की अगर बात करें तो दूरी पता क्या होती है दूरी साथियों एक तो रेलगाड़ी की लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की दो की प्लस पुल की तो की हमें दे रखी है दो त्रेपन मीटर है, लेकिन पुल की लंबाई नहीं है तो पुल की लंबाई की अगर बात करें तो पी मान लेते हैं इसको अब उसके बाद क्या आता है चाल बराबर दूरी बटे समय समय कितना टोटल लगा समय साथियों बयालीस सेकेंड लगा तो बयालीस हो जाएगा बराबर के साथियों इसको कट कर लेते हैं तीन एकम तीन तीन एकम तीन तीन चौक आपका यहाँ पर बारह हो जाएगा अब इसकी गुणा साथियों इससे हो जाएगी पांच से तो चौदह पंजे सत्तर यानी कि सात सौ बराबर दो सौ त्रेपन प्लस आपका कितना आ जाएगा साथियों पी आ जाएगा तो पी बराबर अगर बात करें सात सौ में से दो सौ त्रेपन को अगर माइनस करते हैं तो चार सौ सैतालीस बच जाएगा चार सौ सैतालीस बच जाएगा यानी कि चार सौ सैतालीस मीटर क्या आएगी ये आपकी पुल की लंबाई आएगी एक तरीके से तो पुल की लंबाई पूछी गई थी पुल की लंबाई मैंने आपको बता दी है चार सौ सैतालीस मीटर तो आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई बहुत बढ़िया वेरी गुड क्लास